किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी से। किसान भाइयों, आज मैं कद्दूवर की फसलें, तरबूज, खरबूज, कद्दूवर की फसलें में जो दूसरी फसलें आती हैं जैसे कुमड़ा हो गया, कद्दू से कहते हैं, या फिर लौकी आ गई, या फिर और दूसरी फसलें हैं जो कद्दूवर की में आती हैं, इन सभी फसलों में मौसम बदलने के कारण से गम्मी तना झुलसा रोग होता है, जिसको पहचानने की कैसे पहचाना जाए उसके बारे में और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में, ये सब सभी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। किसान भाइयों, पूरे भारत देश में लगभग हर राज्य में कद्दूवर की फसलें की जाती हैं, चाहे वो तरबूज खरबूज हो, चाहे दूसरे अन्य कद्दूवर की फसलें हों, और जब भी मौसम बदलता है तो ये समस्या देखने को ज़्यादातर मिलती है। क्यों? जैसे कि गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो जब मौसम इस जब भी बदलता है तो इस रोटेशन में ये समस्या बहुत ज़्यादा तब देखने को मिलती है, या फिर इससे इसके बाद जब बारिश के बाद जब सर्दी आती है तो सर्दी के मौसम में और बरसात मौसम में जो गैप होता है, ये जो चेंजिंग का 10-15 दिन का टाइम होता है, इसके बीच में समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। किसान भाइयों, इस बीमारी के कारण जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको छोड़ करके बाकी दूसरे जो हिस्से होते हैं, जैसे तना हो गया, उसकी शाखाएँ, उसके पत्ते, फूल, फल, ये सभी बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं। पौधे की पत्ती के किनारों पर पीलापन और सतह पर जल भरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के तने पर घाव बन जाते हैं, जिससे लाल, भूरे, काले रंग का चिपचिपा पदार्थ गम निकलता है। तने पर भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं जो बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। किसान भाइयों, प्रभावित पौधों के बीजों पर मध्यम भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये इस तरह से जब आप अपने पौधों में ऐसा कुछ उदाहरण देखें या कुछ ऐसी चीज़ें देखें तो आप इस चीज़ को समझ सकें, और उसके निदान के लिए आप जो समस्या है इसे गम्मी तना झुलसा बोलते हैं, इसके प्रबंधन के लिए रोपाई का निरीक्षण करें एवं संक्रमित बीजों को उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दें। बीज को हमेशा शोधन करके ही अपने खेत में लगाएं, उसकी बीज बुआई करें, और इसके बाद इसको नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार के स्प्रे होते हैं। दोनों प्रकार के स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला स्प्रे करेंगे, मल्टीप्लायर 200 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, L 75% WP, 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल करके स्प्रे करेंगे। या इसके बाद अगर इससे रिजल्ट कम मिलता है तो दूसरा स्प्रे होता है, मल्टीप्लायर 200 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, टिपकोनाजोल 25.9% EC 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करते हैं तो फसल में जो गम्मी तना झुलसा रोग है ये पूर्ण रूप से इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं और अपने उत्पादन में अच्छी वृद्धि ले सकते हैं। इसकी वजह से किसान भाइयों समस्या आती है, फूल जो होते हैं वो गल कर गिरने लगते हैं, फल जो होते हैं वो गल कर गिरने लगते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान भाई कई बार मुझे बताते हैं कि सर, मैंने हमारी फसल बहुत अच्छी थी, अचानक उसके फूल गल कर गिरने लगे हैं, या उसके फल जो है उसका जो साइज ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, 15-20 दिन का फल हुआ, उसके बाद वो अचानक गलने लगा है, तो उसका रीज़न नहीं समझ पाते हैं किसान भाई, और उस पर बहुत सारी चीज़ें उपयोग में करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, बहुत तरह के कीटनाशक यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इस किस कारण से इसे समस्या आई है फसल में। तो मैंने आपको समस्या भी बता दिया है और उसका उपाय भी बता दिया है, और आप विश्वास करें कि अगर आप ऐसी पद्धति अपने फसल में अपनाते हैं, ऐसी ये चीज़ अपनी दो दवाइयाँ मैंने बताई हैं, दो तरह के स्प्रे में अगर आपने एक स्प्रे को भी अगर आप कंटिन्यू पूरी फसल के समय में जब भी मौसम बदलाव आने के चांसेस हो उससे पहले ही आप एक स्प्रे कर दें, और फिर उसके बाद जो है 7-8 दिन के अंदर पर दो स्प्रे का दूसरा स्प्रे करें, और 7-8 दिन के अंदर तीसरा स्प्रे कर दें। पूरे टाइम में कम से कम 2-3 स्प्रे कर दें इसका। फसल लगभग 4 महीने की होती है, तो 4 महीने में अगर पूरे टाइम में इसका फूल आने से लेकर के और उत्पादन लेने के तक के बीच में इसका 3 बार भी स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और आपको उत्पादन में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि फूल ज़्यादा रहेंगे तो फल ज़्यादा ज़्यादा आएंगे और उत्पादन ज़्यादा ज़्यादा मिलकर बढ़कर मिलेगा। किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसे लगी
मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियोस आते रहते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप उसको टच करें जिससे कि आपको ज़्यादा जो भी नए वीडियोस आते हैं उसको आप तक सबसे पहले मिले, और ज़्यादातर लोगों किसान भाइयों के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें, जैसे कि सभी किसान भाई इस समस्या से निजात पाने के लिए वो ये जानकारी प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा फिर से नए वीडियो साथ आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।